हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल किचन। दही, इनो, नींबू, सोडा, इन सब चीजों के इस्तेमाल के भटूरे तो हम हमेशा से बनाते आए हैं, पर आज मैं भटूरे बनाने का एकदम नया और बेहद आसान तरीका लाई हूँ, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में टेस्टी भटूरे बना सकते हैं। उसमें इन सब चीजों का कोई भी यूज नहीं होगा। आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये थाली ले ली है, इसमें मैदा डाल दिया है, इसमें 6 चाय का चम्मच घी डालेंगे और यहाँ पे 1/4 स्पून नमक डाल दिया है। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध डालूंगी। दूध डालते डालते मिक्स करते रहेंगे। सारा आटा दूध से ही नहीं करना है, आधा कप ही दूध लिया है मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का। दूध और आटे को मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालना है पानी, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल धीरे धीरे। हल्का कड़ा सा डो बनाना है। जितना हम इसको मसलेंगे भटूरे हमारे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। आटा मसल मसल के गूंद लिया है, अभी एकदम तैयार है। इसको अभी 20 मिनट के लिए सूती कपड़े से ढक के रखेंगे। इन भटूरों को लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग, जिन्हें दूध दही की चीजें सूट नहीं करती हैं, वो लोग भी इन भटूरों को बहुत आराम से खा के एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम उसे चेक करते हैं कितना अच्छा सा आटा हो गया है। 2-4 बार और ऐसे फैलाते हुए मसलेंगे ताकि और बढ़िया फूले फूले भटूरे बने। अब इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। मैंने इतनी बड़ी लोई ली है, जितना बड़ा भटूरा रखना हो उस हिसाब से लोई बनानी है इसकी। अब भटूरा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैंने अगर जरूरत पड़े एक बार ये सूखा मैदा हल्का सा लोई में डस्ट कर लूंगी और अब भटूरे बेलने। बेलन सीधा सीधा ही चलाना है, घुमाना नहीं है उसे। जितना बड़ा भटूरा चाहिए बना सकते हैं। सिर्फ एक बार ही मैंने लोई मैदे में डस्ट की थी। एक भटूरा बेल लिया मैंने। ये देखिए, मैंने 4 भटूरे यहाँ पे बेल लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। इसी तरह से मैं बाकी भटूरों को भी बना लूंगी। मैंने यहाँ पे तेल रखा था भटूरे तलने के लिए, तेज आंच है बिल्कुल। अभी इसको चेक करते हैं कि खूब अच्छे से गरम, तेज गरम चाहिए हमें। थोड़ा सा मैदे का टुकड़ा डाल के, ये देखिए मैदे का ये जो टुकड़ा मैंने डाला था ऊपर आ गया। खूब तेज गरम है ऑयल मेरा। भटूरे हमेशा तेज आंच में, ये देखिए भटूरा मैंने डाल दिया। हल्का हल्का सा इसको घुमाएंगे, ऊपर भी तेल डालेंगे ऐसे, ताकि ये इसको फूलने में आसानी होगी। फूले फूले भटूरे बन रहे हैं, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, एकदम तैयार है भटूरा हमारा। इसको निकाल लेते हैं, फिर से डालेंगे। इसमें फ्लेम हमेशा हाई होनी चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं भटूरे हमारे। ये भटूरे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप भी बना के देखिएगा जरूर। इसी तरह से मैं बाकी सारे भटूरों को भी बना लूंगी। ये देखिए भटूरे मेरे बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें मैंने छोले के साथ सर्व किया है। ग्लोबल किचन में छोले का वीडियो पहले ही है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और हाँ, ग्लोबल किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।